भाई फाइनली दी पेंगुइन सीरीज खत्म कर ली है और भाई मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया भाई। क्या ही बवाल लेवल सीरीज बना दी है भाई। हर हफ्ते एक एक एपिसोड फॉलो करते हुए आ रहा था और फाइनली लास्ट एपिसोड देखा, मैंने कहा भाई फटाफट वीडियो बनाना है। और भाई सच बताऊं काफी टाइम बाद कोई बवाल लेवल इतनी तगड़ी सीरीज देखी है भाई, एक तरीके से मास्टरपीस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा, छोटा सा रिव्यू होने वाला है तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई दी पेंगुइन सीरीज अभी 2024 यानी कि अभी लेटेस्ट में ही रिलीज हुई है, एक एक हफ्ते में एक एक एपिसोड आ रहा था इसका। और एक गैंगस्टर क्राइम ड्रामा सीरीज है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर प्रीमियर हो रही है और HBO मैक्स पर भी है। इसकी IMDb रेटिंग 8.8 की है। तो भाई चलिए फटाफट आपको बता देता हूँ पहले तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी। इसकी भाई कहानी में होता क्या है कि 2022 की अगर आपने बैटमैन मूवी देखी है तो उसके एक हफ्ते बाद के इवेंट्स दिखाए जाते हैं, एक हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है जिसमें कि गौतम शहर है वो बहुत ही बड़े हादसे से उबरने की कोशिश कर रहा है, रिकवर करने का ट्राई कर रहा है। और वहीं पर हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है ऑज नाम का, जो कि एक अपने पेंगुइन भाई है। तो भाई वो गौतम में आ गए हैं एक क्राइम लॉर्ड बनने यानी कि एक गैंगस्टर बनने। ऑज की जो जर्नी है एक एंटी हीरो से एक विलन बनने की जर्नी है वो हमें इस सीरीज के माध्यम से देखने को मिलती है, जिसमें हमें अच्छा खासा क्राइम ड्रामा एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब भाई इसके कुछ पॉजिटिव्स की बात हो जाए तो भाई सीरीज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतने अच्छे तरीके से इस शो की राइटिंग की गई ना भाई कि एक भी शो आपको वो फील नहीं होने देता है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेन कैरेक्टर को छोड़ के जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं उन सबकी भाई कैरेक्टर बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया, उन सबके एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं कि भाई सीरीज में बस भर दिए सारे कैरेक्टर और मेन जो कहानी है वो मेन कैरेक्टर के आसपास घूम रही, नहीं भाई सबका एक इंपॉर्टेंट रोल है। अपना जो मेन कैरेक्टर भाई उसने क्या ही एक्टिंग की है और मीन्स भाई भाई बिल्कुल फाड़ दिया उस बंदे ने। इस साइड कैरेक्टर्स में मुझे विक्टर और सोफिया नाम के दो कैरेक्टर भाई उनका बहुत ही पसंद आया उनका कैरेक्टर। अच्छी बात यह है कि भाई हर एपिसोड के लास्ट में एक क्लिप हैंगर पर छोड़ी गई है जिससे आप फटाफट उसका जाके अगला एपिसोड देख सकते हैं। हालांकि मुझे तो एक हफ्ते वेट करना पड़ा लेकिन आप तो बिंज वॉच कर सकते हैं भाई, बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। और जैसा कि मैं बता रहा था भाई सीरीज की राइटिंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की है जिससे पूरी जो स्टोरी है ना भाई बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है, आपको कोई भी सीन ऐसा नहीं लगता है कि हाँ भाई बेफालतू में ऐड कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो जो और नाम का यानी कि जो अपने पेंगुइन भाई हैं भाई उनका जो कैरेक्टर इतने शानदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है कि भाई आप कभी कभी उससे लव करते हो, कभी कभी हेट करते हो, कभी कभी थोड़ी बहुत सिंपैथी भी पैदा होती है। हालांकि वो एक गैंगस्टर कैरेक्टर है लेकिन आप समझ रहे हो, मतलब इस तरीके से बंदे कहानी को प्रेजेंट करते हैं कि आपका भी माइंड सेट चेंज होने लगता है। की सीरीज की सिनेमाटोग्राफी BGM सब कुछ भाई टॉप लेवल है, मजा आ जाएगा। और सीरीज कहीं ना कहीं आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे एक कैरेक्टर भाई बार बार हार कर भी हर बार खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, कभी गिव अप नहीं करता। पूरी कहानी का जो प्रेजेंटेशन है जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट की है पूरी कहानी को 8 एपिसोड के अंदर भाई बहुत ही लाजवाब है। हालांकि 8वें एपिसोड की एंडिंग से मेरे ख्याल से बैटमैन की आने वाली मूवीज में पेंगुइन की कहानी आगे चलेगी क्योंकि अभी Season 2 का तो कुछ पता नहीं है। एक तरीके से एंडिंग है लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये दी पेंगुइन OG कैरेक्टर जो बैटमैन यूनिवर्स में आ चुका है उसने अपनी एंट्री ले ली है भाई, उसकी जर्नी की शुरुआत है। भाई अब बहुत ज़्यादा तारीफ कर ली, मेरे ख्याल से तो मुझे सीरीज में कुछ खास नोटिसेबल नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा, हो सकता है आप लोग सीरीज देखें तो आपको लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो गई, काफ़ी अच्छा शो है, आप समझ गए होंगे। अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर चेकआउट करना, काफ़ी टाइम बाद एक काफ़ी तगड़ा शो आया है क्राइम ड्रामा फैंस के लिए, तो कर बताना कि कैसा लगा। और यही मेरा छोटा सा रिव्यू था, छोटा सा वीडियो था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसे वीडियोस मैं सिंगल रिव्यू वाले बनाया करूं या नहीं क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है। और हाँ भाई इस सीरीज से पहले अगर आप 2022 वाली बैटमैन मूवी देखकर जाओगे तो काफ़ी बेटर रहेगा कहानी समझने के लिए। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दिस इज अनुराग मिश्रा साइनिंग ऑफ।